Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. So, आज हम डिस्कस करेंगे सिफेलोस्पोरिंस को. इससे पहले हमने इस कैटेगरी के अंदर पेनिसिलिन को डिस्कस किया है. सो यहाँ पर ये जो सिफेलोस्पोरिंस है वो भी इसी क्लास से रिलेट करती हैं. मीन्स कि ये एक एंटीबायोटिक है और ये भी एक सेल वॉल इनहिबिटर है. सो सिफेलोस्पोरिंस का जो मेन फीचर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके की यहाँ पर आपको सिफेलोस्पोरिंस देखने को मिलेगी, या फिर जो सिफेलोस्पोरिंस है वो किस तरीके के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके ऊपर अपना वर्क करती है, या फिर इससे किस तरीके के एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं. सो ये कुछ कॉमन फीचर है सिफेलोस्पोरिंस के बारे में जिनको हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो जैसा कि हमने कहा कि सिफेलोस्पोरिंस भी पेनिसिलिन की तरह एक एंटीबायोटिक है, या फिर इसको एंटी बैक्टीरियल भी हम कह सकते हैं. एंड इसका जो फार्मेकोलॉजी क्लास है वो सेल वॉल इनहिबिटर है. सो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसकी हेल्प से इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि ये जो सिफेलोस्पोरिन है ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है. सो इस तरीके से आप इसको इजीली याद रख पाएंगे. सो इस पिक्चर को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब भी सिफेलोस्पोरिंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सिफेलोस्पोरिंस जो ड्रग है वो एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है, और दूसरा इसका जो फार्मेकोलॉजी क्लास है वो सेल वॉल इनहिबिटर है. ये जो सेल है उसकी जो वॉल होती है उसको इनहिबिट करती है, उसको सिंथेसिस नहीं होने देती, या फिर अगर वो बन चुकी है तो ये उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होती है. एंड यहाँ पर इसकी ये जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसके लिए इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जैसा कि पेनिसिलिन के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर बीटा लैक्टम रिंग होती है जो कि उसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी जो सिफेलोस्पोरिंस ड्रग हैं उनके अंदर बहुत सी जो सिफेलोस्पोरिंस हैं उनमें हमें बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है, और ये ही इसकी एंटी बैक्टीरियल जो एक्टिविटी होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. सो यहाँ पर ये तीनों फैक्टर मैच कर रहे हैं पेनिसिलिन के साथ में, क्योंकि पेनिसिलिन के अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग होती है जो कि उसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है. दूसरा, ये भी एक एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है. और तीसरा यहाँ पर कि ये जो फार्मेकोलॉजी क्लास है इन दोनों ड्रग का वो सेम है, ये सेल वॉल इनहिबिटर ड्रग है. सो यहाँ तक अभी तक कोई भी चेंज नहीं है इन दोनों ड्रग के अंदर. लेकिन अब जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से है कि जो सिफेलोस्पोरिंस होती हैं वो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों ही जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर हम यूज़ में ले सकते हैं. लेकिन पेनिसिलिन में हमने जो डिस्कस किया है कि वो जो ड्रग्स हैं उनको हम सिर्फ ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए ही प्राइमरीली यूज़ करते हैं पेनिसिलिन को. सो यहाँ पर अब जो डिफरेंस है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है. एंड सिफेलोस्पोरिंस जो ड्रग हैं वो भी बैक्टीरियोसाइडल होती हैं पेनिसिलिन की तरह. इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो सेम होता है. ये भी जो बैक्टीरिया की सेल है उसकी जो वॉल है उसके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पर ये अटैच हो जाती है, और उसकी वजह से ही जो इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो वर्क करती है. और यहाँ पर ये रीज़न बनता है कि इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल की वॉल है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है. सो कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है. एंड सिफेलोस्पोरिंस के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इसको जनरेशन के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, लाइक फर्स्ट जनरेशन ड्रग, सेकंड जनरेशन ड्रग. सो जिस जिस तरीके से एडवांसमेंट होता जाता है उस तरीके से जो ड्रग की जनरेशन है उसको नाम दे दिया जाता है. सो अगर इन जनरल मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सिफेलोस्पोरिंस होती हैं उनके अंदर जो प्रीफिक्स है वो सेफ होता है, मीन्स
CEF या फिर CEPH, मोस्टली जो आपको देखने को मिलेगा वो CEF होता है, एंड कुछ ड्रग के अंदर आपको CEPH भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको CEF प्रीफिक्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो स्टेप है इसको यूज़ में लाकर जो सेफेलोस्पोरिन ड्रग होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड कुछ मिडिल नेम है या फिर कुछ लास्ट नेम है जो सिमिलर होते हैं इन ड्रग्स के अंदर, उनको हम आइडेंटिफाई करके इनकी जो जनरेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ड्रग है वो किस कैटेगरी की है। एंड जो फर्स्ट जनरेशन की सिफेलोस्पोरेंस हैं उनको मेनली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। इनमें स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्ट्रेफाइलोकोकाई मेन ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनके लिए हम फर्स्ट जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरेंस होती हैं उनको काम में लेते हैं। एंड यहाँ पे हम इन फर्स्ट जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरेंस हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसा कि हमने कहा कि इसका जो प्रीफिक्स है वो सेफ होता है। सो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड हैं वो है सेफाड्रॉक्सिल, सेफाजोलिन एंड सेफ्लैक्सिन। तो प्रीफिक्स इसमें आप इजीली देख पा रहे होंगे कि सेफ जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पर लगा हुआ है, एंड जो थर्ड ड्रग है उसके अंदर CEPH प्रीफिक्स लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको दोनों ही प्रीफिक्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको CEF ही देखने को मिलता है। सो फर्स्ट जनरेशन की ये तीनों ड्रग हैं, इनके अंदर आपने नोटिस किया कि सेफ के बाद में तीनों ड्रग के अंदर ए लगा हुआ है, जो फर्स्ट लेटर है वो ए है। सो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है उनमें आपको प्रीफिक्स के बाद में ए लेटर देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेफ के बाद में ए लेटर देखने को मिलेगा फर्स्ट जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरेंस हैं उनके अंदर। लेकिन ये जो फर्स्ट जनरेशन की सिफेलोस्पोरेंस है वो वहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं जहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनके अंदर बीटा लैक्टमेज एंजाइम सिक्रीट होता है। सो वहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है, वहाँ पे हमें और जो जनरेशन है उनको काम में लेना पड़ता है। सो फर्स्ट जनरेशन की जो सेफाड्रॉक्सिल है और सेफ्लैक्सिन इन दोनों ड्रग को हम ऑरली यूज़ करते हैं, और जो सेफाजोलिन है इसको हम IV और IM दोनों ही तरीके से यूज़ करते हैं। सेकेंड जो जनरेशन है इस अंदर आपको प्रीफिक्स सेफ तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो कुछ मिडिल लेटर हैं या फिर जो लास्ट लेटर्स हैं उनके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सेकंड जनरेशन की ड्रग है। तो इनको हमें स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो ये ड्रग्स हैं ये मिक्स ड्रग्स हैं। किसी के अंदर आपको सेफ के बाद ए लेटर देखने को मिलेगा या फिर किसी के अंदर आपको लास्ट में मी देखने को मिलेगा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके का है, तो इनको हमें याद करना पड़ेगा। इनको हम इस तरीके से नहीं कह सकते जो कुछ लास्ट वर्ड हैं उनके अंदर आपको 1 देखने को मिलेगा या फिर 10 देखने को मिलेगा या फिर आपको सेफ के बाद ए लेटर देखने को मिलेगा। तो इनको आपको याद करना ही होगा, और इनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं सेफाक्लोर, सेफोक्सिटेन, सेफ्रोजिल एंड सेफ्रोक्सिन। सो ये चार ड्रग हैं जो कि सेकंड जनरेशन से रिलेट करती हैं, एंड सेकंड जनरेशन की जो ड्रग हैं वो स्पेशली ग्राम नेगेटिव जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए काम में ली जाती है, जहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है, तो वहाँ पर जो सेकंड जनरेशन की ड्रग है उनको काम में लिया जाता है। सो सेफाक्लोर जो ड्रग है इसको हम ओरली यूज़ कर सकते हैं, एंड सेफोक्सिटेन इसको IV और IM, सेफ्रोप्रोजिल को ओरली यूज़ करेंगे, और जो लास्ट ड्रग है सेफ्रोक्साइन इसको हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, और IV और IM इसको तीनों ही रूट से हम यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरेंस होती हैं वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, जहाँ पर जो सेकंड जनरेशन की ड्रग है वो
इफेक्टिव नहीं होती है, वहाँ पर ये जो थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिंस वो बहुत ही पावरफुल होती हैं, और साथ में इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए होता है, और यहाँ पर जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है ये उससे भी रेजिस्टेंस होती है। सो यहाँ पर ये जो एंजाइम है इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। एंड इस तरीके की जो सिफेलोस्पोरिंस हैं वो मेनली ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, कुछ जो स्यूडोमोनास हैं या फिर क्लेबसेला है या फिर नाइजीरिया साल्मोनेला प्रोटीएस एंड एच इन्फ्लुएंजा से होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर जो थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिंस हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आपको ये जो बैक्टीरियाज हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए गाइस। थर्ड जनरेशन की जो ड्रग हैं उनके अंदर आप देखेंगे सेफ्डिनिर को या फिर सिफेक्सिम, इसको हम मोस्टली काम में लेते रहते हैं सिफेक्सिम को, एंड सेफ्रेक्सोन या फिर सेफ्टीब्यूटेन, सेफपोडोक्सिम या फिर सेफ्टाजिडिन। सो ये जो ड्रग हैं वो थर्ड जनरेशन की ड्रग हैं। अब इनमें आप देखिए कि जो प्रीफिक्स है वो सेफ है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इनमें जो लास्ट में किसी किसी में सफिक्स लगे उनसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ड्रग हैं वो थर्ड जनरेशन से रिलेट करती हैं। सो सेफ्डिनिर को छोड़कर यहाँ पर अगर हम देखें सिफेक्सिम को, तो IME तीन लेटर हैं जो कि इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये जो ड्रग है वो थर्ड जनरेशन की ड्रग है। इस जनरेशन की जो ड्रग हैं उनमें लास्ट में आपको IME देखने को मिल सकता है, या फिर 1 देखने को मिल सकता है ONE, या फिर 10 देखने को मिल सकता है TEN। सो इस तरीके से आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये जो सिफेलोस्पोरिंस हैं वो थर्ड जनरेशन की ड्रग हैं, क्योंकि इनमें जो ये लास्ट 3 वर्ड हैं वो ड्रग में सेम है, कॉमन है। सो इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ जो जनरेशन की सिफेलोस्पोरिंस हैं वो तब काम में ली जाती हैं जब जो पहले के जो जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरिंस हैं उनसे अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो वहाँ पर फिर उनका इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है हमें। तो इस कंडीशन में हम फोर्थ जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरिंस हैं उनको काम में लेते हैं, एंड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें काफ़ी इफ़ेक्टिव फोर्थ जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरिंस होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एंड इनको याद करने के लिए आपको एक ईजी टिप यहाँ पे मैं दूंगी कि ये जो दोनों ड्रग हैं सेफिफाइन एंड सेफपिरोन, एंड यहाँ पर ये जो दोनों ही ड्रग हैं इनके अंदर PI कॉमन है देखने को मिलेगा आपको। सो इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फोर्थ जनरेशन की ड्रग है सेफिफाइन एंड सेफपिरोन। तो दोनों के अंदर PI कॉमन है। एंड जो फिफ्थ जनरेशन की ड्रग है वो और भी एडवांस सिफेलोस्पोरिंस है, एंड इनको याद करने के लिए भी आपको एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो दोनों ड्रग हैं सेफ्टेरोलिन एंड सेफ्टीबिप्रोल, सो इनके अंदर भी आपको ROL कॉमन दिख रहा है दोनों ड्रग के अंदर। सो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो फिफ्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिंस हैं उनके अंदर ROL जो वर्ड है वो कॉमनली देखने को मिलता है। सो इस तरीके से हम इन सिफेलोस्पोरिंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं वो किस जनरेशन से रिलेट करती हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस तरीके से आपको याद रखना। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए मुझे ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। सो प्लीज़ वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे। सो अब हम बात करेंगे इस सिफेलोस्पोरिंस के साइड इफ़ेक्ट्स। सो सिफेलोस्पोरिंस सेफ ड्रग होती है, लेकिन फिर भी किसी किसी केस के अंदर हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, और जो इसका मोस्ट कॉमन और फ्रिक्वेंटली जो देखने को मिलता है एडवर्स इफ़ेक्ट वो है एलर्जी हो सकती है किसी भी पेशेंट को यहाँ पर, अगर वो इसके साथ
कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमें जो इनिशियल जो थेरेपी हम यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी भी पेशेंट के साथ में, तो वहाँ पर हमें एलर्जी के साइन देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, एंड इसके अंदर रैशेस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर GI जो सेक्शन है उससे रिलेटेड कुछ साइन हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक नोजिया देख सकते हैं, या फिर डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट में, या फिर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग के साइन भी पेशेंट के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं। और कुछ जो ओल्डर जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरिंस हैं उनके अंदर हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी के जो साइन होते हैं वो भी नोटिस कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूअर जनरेशन की सिफेलोस्पोरिंस हैं उनके अंदर इस तरीके के साइन कम देखने को मिलते हैं। एंड ओरल कैंडिडाइसिस या फिर वजाइनल कैंडिडाइसिस, ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। जब हम सिफेलोस्पोरिंस को यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके की कंडीशन भी पेशेंट के साथ में डेवलप हो सकती है। एंड मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट है एनाफाइलेक्सिस, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। सो कुछ इस तरीके के जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि हम सिफेलोस्पोरिंस यूज़ करते हैं उस वक्त हमें देखने को मिल सकते हैं किसी किसी केस के अंदर, तो इन साइड इफ़ेक्ट को हमें मालूम होना चाहिए। जब भी हम सिफेलोस्पोरिंस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट के अंदर हमें किस किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर हम यहाँ पर सिफेलोस्पोरिंस पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पेनिसिलिन से अगर कैंडिडेट को एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिव है, तो उस केस में हम वहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए सिफेलोस्पोरिंस को भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन साथ में कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पेशेंट को पेनिसिलिन सूट नहीं करती है, लेकिन उसके लिए सिफेलोस्पोरिन एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है, तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो भी हम देख सकते हैं। सो इस तरीके के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें सिफेलोस्पोरिंस के केस में देखने मिल सकते हैं। एंड अगर आप इस इन्फोग्राफिक को सेव करना चाहते हैं गाइस, तो मैं इस इन्फोग्राफिक को अपने FB अकाउंट के ऊपर पोस्ट करूंगी, तो आप वहां से इसको सेव कर सकते हैं ताकि आपके लिए इसको मेमोराइज करना ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा गाइज, और आप इनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय।